हे गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का ये लेक्चर बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल है। मैंने इसलिए करवा रही हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए। मैंने आपको इसे रिलेटेड प्रूफ करवाए थे कि सिमेट्री अगर इंटीग्रल्स के अंदर हो तो दो हमारे पास थ्योरम होते हैं। दोनों थ्योरम्स को मैंने प्रूव करवाए थे। आज मैं उन्हीं थ्योरम से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ। पहला थ्योरम हमारे पास था कि अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन इवन है तो हमने, अगर हमारे पास उसकी फॉर्म क्या हो, सिमेट्री इंटीग्रल्स में कैसे हो कि लोअर अपर लिमिट सेम हो, लोअर लिमिट माइनस में हो, अपर लिमिट पॉजिटिव में हो और हो सेम, तो एफ एक्स डी एक्स किसके कुल होता है 2 × 0 to a एफ एक्स डी एक्स के। ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया था। अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवा के इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक इंटीग्रल है माइनस टू से टू। अगर देखा जाए तो यहाँ पे था माइनस ए से ए, तो फॉर्म माइनस टू से टू सेम बन रही है। इसके अंदर कोई फंक्शन है। अब हमें देखना है क्या ये फंक्शन इवन है या ओड। अगर हम इस फंक्शन को एक्स की फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, तो माइनस एक्स रिप्लेस करने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हमने देखा जब हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो फंक्शन दोबारा से वही फंक्शन बन गया। f के अंदर माइनस एक्स करने से एफ एक्स ही रहा, इसका मतलब ये फंक्शन इवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इवन फंक्शन, अगर हमें पता चल गया ये फंक्शन इवन है तो हम इसके अंदर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस टू से टू एक्स की फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी एक्स किसके कुल आ जाएगा टू, क्योंकि ये फॉर्मूला में था 2 × 0 to a, तो हम यहाँ से कर देंगे 0 to 2 एक्स की फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी एक्स। इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जहाँ पे हमने माइनस टू करके सारी कैलकुलेशन करनी थी, अब जीरो करने से हमारे लिए आसान हो जाएगी, तो हम जल्दी कर सकेंगे। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे 2 × इंटीग्रेशन लेंगे, अलग अलग डिवाइड, अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, तो 0 to 2 एक्स की फोर डी एक्स प्लस 0 to 2 माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 to 2 सिक्स डी एक्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने सेपरेट किया है। एक्स की फोर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की फाइव ओवर फाइव, 0 to 2 इसके अंदर हम अपर माइनस लोअर करेंगे, माइनस बाई कॉमन आ जाएगा, फोर एक मल्टीपल है कॉन्स्टेंट बाई कॉमन आ जाएगा। जब इंटीग्रल लेंगे एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की क्यूब ओवर थ्री, इसके अंदर हम 0 to 2 अपर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। सिमिलरली सिक्स कॉन्स्टेंट है और अंदर सिर्फ डी एक्स रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी एक्स 0 to 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टू सबके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर फाइव ओवर फाइव जब टू जाएगा तो यहाँ पे टू की पावर फाइव हो जाएगी, जब टू की पावर फाइव हम करते हैं तो हमारे पास 32/5 आंसर आएगा। माइनस जीरो करेंगे तो जीरो ओवर समथिंग जीरो ही रहेगा। सिमिलरली माइनस फोर एक्स क्यूब, जहाँ पर हम टू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8/3 आ जाएगा, जीरो अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, 6 × 2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 32/5 माइनस 32/3 प्लस 12। ऐसे मेरे से हमारे पास 232/15 आंसर आ जाएगा। ये था इवन इंटीग्रल। अगर हमारे पास इवन फंक्शन है तो हमने किस तरह उसका इंटीग्रल लेना है। अगर हमारे पास ऑड फंक्शन आ जाए किसी सिमेट्रिक इंटीग्रल में तो उसको किस तरह करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है ऑड फंक्शन की भी, माइनस टू से टू एक्स क्यूब डी एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये फंक्शन इवन है या ओड। इवन ओड देखने के लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एफ एक्स था और यहाँ पे माइनस एफ एक्स आ गया जब हमने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से। तो यहाँ पे ये हमारे पास डेफिनेशन होती है ओड फंक्शन की। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ओड, और इंटरवल क्या है, सिमेट्रिक।
तो सिमेट्रिक इंटरवल में अगर ऑड फंक्शन आ जाए तो हमें पता है कि आंसर उसका आपने सिंपली ये लिखना है माइनस टू से टू एक्स क्यूब डी एक्स, एज इंटरवल सिमेट्रिक फंक्शन इज ऑड, तो ये आंसर आ जाएगा जीरो के इक्वल। आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने लिए चेक करना चाहते हैं कि क्या ये आंसर ठीक है या गलत, तो आप क्या करें, एक्स क्यूब का इंटीग्रल लें, एक्स की पावर फोर ओवर फोर आएगा, जब आप उसको में अपर माइनस लोअर करेंगे तो आपके पास आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो ये होता है छोटे छोटे ट्रिक्स, मोस्टली एमसीक्यूज़ के लिए पूछे जाते हैं कि इसको सॉल्व करें, तो हम कहते हैं इतना लंबा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो आपने जस्ट एक ट्रिक यूज़ करना है कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड। अगर इंटरवल सिमेट्रिक है तो, इंटरवल सिमेट्रिक है तो फटाफट देखें फंक्शन इवन है या ऑड। मोस्टली फंक्शन ऑड होंगे, ऑड होंगे तो आंसर डायरेक्टली जीरो आउटपुट कर देंगे, आपको लंबा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी सिर्फ इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड, किस तरह आपने इसको एवेल्यूएट करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।